कितना बढ़िया नंबर गाया। वो कह रहे कि मैं पिछली साल यहां पे बताए के गए हो और आप भी इस बात को बता करके जाना। अच्छा बताऊं भैया, मैं कोई जबरदस्ती को लट्ठे तुम्हारो बता करके जाएंगे क्यों? नेक आदमी अपनों जाए गाय रहूं तो जाए और बंद करके बैठ जाऊं। अरे यार तुम्हारी जुबान पे मैंने बहुत ताला लगा दिया है कि तुम कितने भी मर्द बन लेना, लेकिन तुम पे एक नंबर गाना करना पड़ गया है। एक नंबर भी नहीं गा सके उसको गवैया कहूं या क्या कहूं? जय हो जय हो। लेकिन बात केवल इतनी है कि भैया गोपाल भाभी फंस गई है चाबी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, छंद का जवाब तुम पे हुआ नहीं ये जनता जान गई। मैंने पहले ही कहा था कि यहां घर घर में लखैया मौजूद हैं और घर घर में बजैया और गवैया मौजूद हैं। आहा चाचा सबैया सुनाऊंगो, सब सुनाऊंगो, चिंता मत करो, तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करूंगा इस नंबर पे। है सब मैंने पिछले भी नंबर पे दो सबैया गाए के नौमी बरस चतुराई आई थोड़ी थोड़ी, दसवीं बरस चुभना है अतरस को। खसम की भी बात कही और लुगाई की भी बात कही, का एक उलान में जवाब है जे गोपाल भाभी हैं। अब मेरी तरफ से नंबर की शुरुआत देखें। मेरी जान चिंता मत करे गोपाल भैया, बहुत प्यार करता हूं मैं तुझसे। हाँ बाबा चुर्री भाई मैं तुम्हें तो करती हूं। अगर तुमने अपनी घरवारी पर नजर ना उतारी तो सवेरे मैं जरूर उतारूंगा, जो गारंटी है। भाई वाह, के एक नंबर तक तो पहनाएगा वो दो। के देख तुम क्या रसिया गाओगे ए बरसान वाले, क्या भैया तुम क्या रसिया और गाओगे जन्मो मैया ने। Yeah.
दिल में तस्वीर बसाई है मैंने अपना समझ क्या लिया उन्होंने सोच समझ क्या लिया रे उन्होंने सोच समझ क्या लिया गहरी सोंद होई चाचा फरमाइश कर रहे हैं सवैया की सवैया भी ले और एक आपके मनोरंजन का टुकड़ा लगा रहा हूं मसा बजाए परोड़ी धुन जो नहीं होगी वो भी मेरे ही ना से निकलेगी मसाब के तूने अपने दीवाने पर कैसा जादू डाला तूने अपने दीवाने पर कैसा जादू डाला तूने अपने दीवाने पर कैसा जादू डाला और होश गवा के मस्ती में झूमे तेरा मतवाला अरे होश गवा के मस्ती में झूमे तेरा मतवाला और मैंने भी तो अपने आप को 18 साल संभाला मैंने भी तो अपने आप को 18 साल संभाला मैंने भी तो अपने आप को 18 साल संभाला और देखा जो होगा अब तो ये इस जोबन का प्याला देखे प्यार भरी सौगात जियरा धक 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 बोले अरे संयम मौन दिल की बात जियरा धक 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 बोले अरे जियरा धक 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 बोले मस्ती चाई होले होले आपका तो मनोरंजन होगा अरे संयम मौन दिल की बात जियरा धक 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 बोले सवैया की फरमाइश आप कर रहे थे जाकी नजर पे नजर मिली मेरी जाए समझ के बढ़िया ले आओ जाकी नजर पे नजर मिली मेरी जाए समझ के बढ़िया ले आए भैया कह रहे हैं कि ये फिल्मी पैरोडी दोबारा होगी पहले 4 लाइन का सवैया सुन लें जाकी नजर पे नजर मिली मेरी जाए समझ के बढ़िया ले आए प्यारो खूंटा तोड़ के भग जाएगी जाए डार के कड़िया ले आए प्यारो खूंटा तोड़ के भग जाएगी जाए डार के कड़िया ले आए तुम्हें मन भर दूध पिवा देगी ये बने बने तुम्हें मन भर दूध पिवा देगी जाए और गोपाली आप कह रहे थे कि गाल बजाता हूं आप बताएं रात भर में मैंने कोई गाल बजाया है केवल जो बात है उसको कहूंगा लेकिन आज आप इन बातों को मुझसे इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारी धूतरी पे बिल्कुल ताला लगा दिया है मैंने और जब तक जिंदा रहो तब तक जवाब दे देना कि वो नारी का कौन सा अंग है जिसे पकड़ करके उस बेटे ने उठाया था एक दंगल में अपनी तरफ से फ्री कराऊंगा तुम्हारा पेमेंट चाहे 15,000 का हो चाहे 20,000 का हो मैं दूंगा और एक दंगल हाथरस में कराऊंगा जिस दिन जवाब हो जाए उस दिन बता देना दंगल मेरी तरफ से होगा और मैं मान जाऊंगा तुम्हें कि हां कि तुम्हारी कोई बात है दूध पिबा देगी
आपका चाहूंगा क्योंकि दुमानी सुनने वाली जनता है। जय खबा के खड़ियाले और हटियो ने गलाला नहीं जाके आदमी से बात कर लंदे तुम्हें मन भर दूध पिला देगी। जय खबा के खड़ियाले आए प्यारे भाग्य फूट गए भैया जी जो जे अल्लड़ पड़िया ले आए। प्यारे भाग्य फूट गए भैया जी जो अल्लड़ पड़िया ले आए। और ओ भाभी मेरी तो जई ना समझ में आ रही कि भाभी है के भावई है भावई है। ओटन पे लौली लगा करके लाल लाल बेटा चुप। अरे जइए तो चाह रहे हो वो अच्छा के दे तू आज हो देखी जाएगी मैं तू चिंता मत कर। होटन पे लाली लगा करके लाल लाल मोए अपने कुनवा की थांग दे रही है। आंखों में गजरा है बालों में गजरा है दिखलाए जोबन को सोंग दे रही है। अरे आदत की है बारी जैसी तेरी घरवारी धोती उठा करके टांग दे रही है। बेटा तेने तो कही के धोती उठा करके टांग दे रही है हमारे कछु बुजुर्ग पीछे नौके रहे जाने का कह रहो और जे तो मजा ले रहे नौजवान लेकिन बात गलत नहीं। देखो धोती उठाए कर के टांग दे रही है गलत तो नहीं है। जेवारी टांगे मत समझियो जा टांगे तो कबू ना दूंगा जिंदगी में। हाँ बेटा होटन पे लौली लगा करके लाल लाल मोए अपने कुनबा की थांग दे रही है। और सलीम बाबा आंखों में गजरा है बालों में गजरा है दिखलाए जो बन को स्वांग दे रही है। अरे आदत की है मारी जैसी तेरी घरवारी धोती उठा करके टांग दे रही है। और कह दूं घोदुआ पेड़ो देखे का दिन सवेरो हो घोदुआ पेड़ो देखे का दिन सवेरो हो चौके जे मेड़ की हूँ मुर्गन की बात हो रही है। मेड़ की मुर्गन की बात देख तूने अपने दीवाने पर कैसा जादू डाला तूने अपने दीवाने पर ऐसा जादू डाला होश गवा के मस्ती में झूमे तेरा मतवाला। ये होश गवा कर मस्ती में घूमे तेरा मतवाला मैंने भी तो अपने आप को 18 साल संभाला मैंने भी तो अपने आप को 18 साल संभाला देखा जो देखा जाएगा इस जोबन का प्याला। अरे लेके प्यार भरी सौगात जियरा धक 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 बोले। अरे संयमान दिल की बात जियरा धक 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 बोले। अब देखो इसको कहते हैं दुमानी। अरे मेरी जान जरा नेक तो देख ले। हाय हाय वाकई में जिस समय देख लेती है तो बिल्कुल ऐसा मालूम पड़ता है जैसे जयपुरदा खड़ी है क्या सामने मेरा दिल बहल जाता है। अरे सैयों मोन दिल की बात जियरा धक 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 बोले। गोपाली हम ते गए लुगाई हार बातें कर रे कैसी कैसी। अरे हम ते गए लुगाई हार बातें कर रे कैसी कैसी। देखो इसका भी इशारा गलत होगा लेकिन बात सही होगी नाना पूरा। हम ते गए लुगाई हार ये बैठे हैं पांचों के पांचों। हम ते गए लुगाई हार बातें कर रे कैसी कैसी। अरे हम ते गए लुगाई हार बातें कर रे कैसी कैसी। ओए गोपाली इनमें एक वो कारी कमीज वाले हुए का पांचों में गुटका खा रहे हैं बुढ़ापे में। सलीम बाबा न्यो मत समझियो गोपाल भैया के तुम्हारे माऊ आए के गा रहा हूं पब्लिक न्यो कह रही है सामने ते गाओ जा मारे आया हूं
ऐसे मत करियो कि मेरी चांद पे चढ़ जाओ ऊपर आए के। देख हम ते गए लुगाई हार बातें कर रे कैसी कैसी, अरे हम ते गए लुगाई हार बातें कर रे कैसी कैसी, बातें कर रे कैसी कैसी सबरे डार गए हो फैसी, ये बातें कर रे कैसी कैसी सबरे डार गए हो फैसी, ये बातें कर रे कैसी कैसी सबरे डार गए हो फैसी। ओके दो आशीर्वाद आपका चाहूंगा। बातें कर रहे कैसी कैसी सबरे डर गए है फैसी, और देख अब रे बैठ के मुट्ठी मार जब तेरी है गई ऐसी कैसी, अब जे गए लुगाई हार बातें कर रे कैसी कैसी। बेटा रुक जाने समझा लंदे चौके जे गोपाल भाभी है एक मिनट में नौकेंगी। शर्मा जी जरा पीछे वालों का भी ख्याल रखे करेंगे। अच्छा बोले पहली बात तो अच्छी है, दूसरी बात हमारी जान है। जान है हमसे गए लुगाई हार अब गाल बजाते रहना क्योंकि जवाब होगा नहीं। पांचों के पांचों पांडव चुपचाप गर्दन दबा करके बैठे रहे, उनमें से कोई बोला नहीं है। और ये इधर से दुशासन और दुर्योधन कह रहे हम ते गए लुगाई हार बातें कर रे कैसी कैसी, हम ते गए लुगाई हार बातें कर रे कैसी कैसी, अरे बातें कर रे कैसी कैसी मन मान गए जे भैसी, बातें कर रहे कैसी कैसी जे सबरे डार गए हैं फैसी, और देख अब रे बैठ के मुट्ठी मार जो तैयारी है गई ऐसी कैसी, अब रे बैठ दोस्तों बात मेरी गलत नहीं है। जब आदमी सब बात से हार जाता है तो मुट्ठी मार करके बैठ जाता है। जे मत समझियो गोपाल बाबू का, वो और मुट्ठी की बात कर रहा हूं मैं। देख के जुआ था ये राजनीति का आप समझ ना पाए, ये जुआ था ये राजनीति का आप समझ ना पाए, जुआ था ये राजनीति का आप समझ ना पाए। चाचा कुर्ता वाले हो वो तो तुम्हारा छोरा है और मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, मगर दुश्मन होते हुए अपना आशीर्वाद देना। अरे जुआ था ये राजनीति का आप समझ ना पाए, और युगो युगो से जा जुआ को तेरे बाप समझ ना पाए, अरे युगो जा जुआ तेरे बाप समझ ना पाए, युगो युगो से इस जुआ को तेरे बाप समझ ना पाए, अरे जुआ था ये राजनीति का आप समझ ना पाए, युगो युगो से इस जुआ को तेरे बाप समझ ना पाए। दोस्तों ये ब्रज है और ब्रज में हिंदी सबसे नंबर वन मानी गई है। हिंदी एक हिंदी का सवैया दे रहा हूं और चीज तुक्का ये सब चीज लड़ाने की जरूरत नहीं, केवल एक सवैया लड़ा देना। देख मत ना लड़ाई लड़े चाटो इलम को पड़े, धरती पे बेटा हाल गिट मर जाओगे, मत ना लड़ाई लड़े चाटो इलम को पड़े धरती पे बेटा हाल गिट मर जाओगे, लुच्चा गुंडा बेईमान उनको हमें फूपा जान, मर्दन के झुंडन में घित मर जाओगे, मर्दन के झुंडन में घित मर जाओगे, ये चीज ना कटेगी एक ऊपर नीचे रहे देख, गाए गाए सबैया कभी तो मर जाओगे, चीज ना कटेगी एक ऊपर नीचे रहे देख, गाए गाए सबैया कभी तो मर जाओगे। और अब अंतिम बार कहूंगा, तुमने मेरे विजेंद्र गुरु के लिए भी तालियां बजाई, बाबू शर्मा के लिए भी तालियां बजाई, और थोड़ी बहुत ने कहा मेरे उले बजा गई है, मगर ये लाइन सुनना अगर आपको पसंद आए तो आदरणीय मेरे स्वर्गीय दादा गुरु खिच्चो लाला के लिए बजाना। अरे देख गाए गाए सबैया
कब तुम मर जाओगे और मैंने खिंचो के पूजे पाम कियो है गुरु को नाम छोटे है बिजंदर की चित्त मर जाओगे छोटे है बिजंदर की चित्त मर जाओगे ये राजनीत का आप समझ ना पाए अरे जुआ था ये राजनीत का आप समझ ना पाए अरे युगों युगों से ये जुआ तेरे बाप समझ ना पाए युगों युगों से इस जुआ को तेरे बाप समझ ना पाए छल के पासे डार दे तब डोले भागे भागे अरे छल के पासे डार दे तब डोले भागे भागे छल के पासे डार दे तब डोले भागे भागे चाल चली ना काऊ की जा सकुनी मामा के आगे देख रहे हो सकुनी मामा है जे दिन भर तो रात भर तो रसिया बजावते और सवेरे चुरी बेचते जाएंगे काऊ को ना जोर चलो जा सकुनी मामा के आगे और देखो बैठे नीची गर्दन डार अरे बैठे नीची गर्दन डार अरे बैठे नीची गर्दन डार तुम तो छा गई आज गिरह की अरे बैठे नीचे गर्दन डार तुम पे छा रही आज गिरह की तुम पे छा रही आज गिरह की सबरे डार गए हो फैसी ए बाबा अब रे बैठ के मुट्ठी मार जब चढ़ी है गई ऐसी ऐसी नाब तक दिया बतलावो मेरे सांस जिगर की छूटी है प्रभु हमारे रह गए कहाँ पे प्रभु हमारे रह गए कहाँ पे प्रभु हमारे तेरी सो तेरी मैंने आपका भी मनोरंजन किया सवैया भी गाया और टुकड़ा भी गाया लेकिन कहेंगे पल्लंग से कि मैंने एक हरिचंद तारावती की चीज गाई बाको तो जवाब दे ही ना है ले बहू को ले जाओ ब्याज में भाषा बजाएं गाया जी कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम आए बहुत खूबसूरत है मेरा सनम अब नहीं आ रहे ये खुदा ऐसे मुखड़े बनाता है कम देख क्या कह रही थी के चाहे जमाना करे लाखों सितम है कभी तेरा दामन ना
पूरा आशीर्वाद है इस समय। कोई कैंपी कॉपी पेंसिल की जरूरत नहीं है, रख दो अलग। और ये आशीर्वाद मेरे गुरु ने मुझे दिया है, कलम ना मैं गाल बजाता हूं ना कलम से, केवल कलम से मारता हूं। और कलम जो दी है गोपाल भाई वो भी ऐसी दी है कि मैं तुमसे तो क्या कहूंगा, एक माइक पर मैं खड़ा हूं और एक माइक पर तुम खड़े हो जाओ, अलग अलग बातें नहीं गवेंगी। गवेगा वो ही जो रात भर का दंगल और छंद लड़ रहा है। एक माइक पर मैं खड़ा हूं, एक माइक पर तुम खड़े हो जाना। न मेरे हाथ में कॉपी पेंसिल होगी, न तुम्हारे हाथ में कॉपी पेंसिल होगी, और एक नहीं चार दिन का दंगल करा लो, पीछे हटके चला जाऊं तो विजेंद्र शर्मा की नहीं किसी और की औलाद, कह देना मेरी जान। तुम तो आज गा रहे हो, गाय गाय के बंद कर दई। कमंडल में ठोकर मारी ओ बेसरों है, कमंडल में ठोकर मारी ओ बेसरों है, ये सूरज निकलता निकलते तेरो मरे गो खसो है। भाई छोड़, मैं हूं पत बिरता नारी निभाऊ रसम है, मैं हूं पत बिरता नारी निभाऊ रसम है, ये सूरज निकल लेना दूंगी, ये सूरज निकल लेना दूंगी करुआ तेरी कसो। क्या कह रही थी इधर से, क्या मैं कर को टका तू दे दे तब करियो दफन है। जब इतनी बातचीत हुई मां साहब, पब्लिक में से थोड़ी आवाज आ रही है, आप उस्ताद हैं, मैं आपका बेटा हूं, हल्की हल्की सी पेटी को दाबकर और आवाज वही निकलनी चाहिए। काली मालिक के हुक्म पे ये हरिया चलेगा। देख, जब इतना हुआ तो राजा हरिश्चंद्र ने तलवार निकाली। आपने सभी ने हरिश्चंद्र किस्सा सुना होगा, ऐसा कोई आदमी नहीं जिसने हरिश्चंद्र ना सुना हो। तलवार निकाली और सोई तलवार निकाल करके कब्रिस्तान में शमशान घाट में घूमने लग गए कि आखिर किसने काट लिया इसको, क्योंकि शमशान में तो कोई आ ही नहीं सकता है। और जैसे ही तलवार लेकर के पहुंचे, इधर आ, तलवार लेकर के जैसे ही पहुंचे सोई पकड़ में आ गई। देख, निकल निकल मठ से निकल, निकल निकल मठ से निकल, काली नागन है, निकल निकल मठ से निकल तू काली नागन आए, निकल निकल मठ से निकल तू काली नागन आए। नागिन नहीं, मैंने पहले ही कहा था, यहां सब समझदार हैं, काली नागन है, निकल निकल मठ से निकल काली नागन है, मार मार डंडा तो कू या मार मार डंडा तो कू, मार मार डंडा तो कू। चाचा गलत तो ना कह रहा, मैं सही कह रहा हूं, तो मेरी लाइन सुन करके तालियां बजाना। ये निकल निकल मठ से निकल ये काली नागन है, ये बार बार डंडा तो तू, ये बार बार डंडा तो तू, मैं मार मार डंडा तो तू कर दूं दफन है। निकल निकल मठ से निकल, मोहड़ो कुचल दऊ तेरो, मोहड़ो कुचल दऊ तेरो। अच्छा साहब, अरे मोहड़ो मोहड़ो कुचल दऊ तेरो, मैं धरती पे डार के, ये मोहड़ो कुचल दऊ तेरो, मैं धरती पे डार के। एक तो
बाबा वो नागिने माँ और एक इधर बैठी है मेरे पीछे ना जाने कब फन मार दे। देख ये मोहरो कुचल दू तेरो मैं धरती पे डार के और कब ते बैठी जा शमशान में तू पेरन को पसार के कब ते बैठी शमशान में तू पेरन को पसार कब ते बैठी तू जामे ये पैर पसार के और जाने तने कितने बालक खाए ले बाजार के ये जाने ले कितने बालक खाए ले बाजार के ये जाने ये कितने बालक खाए ले बाजार के ये जाने तने कितने बालक खाए ले बाजार के। कौसाम किस्सा गलत तो नहीं हो रहा है? हरिचंद ने वही उस नागिन को पकड़ लिया। जाने तेने कितने बालक ये खायले बदार के और देख मार मार करके मैं तो तू मार मार करके मैं तो तू मार मार करके मैं तो तू और अपनों ने भाई परन है ये मार मार पर मैं तो तू निभाऊ पर निकल निकल मठ से निकल और गाली नागर निकल निकल मठ से निकल करके सभा में और ये छंद गाया सभा में ये छंद गाया है और हमेशा नाम रसियों में मेरे खिचोले सुनाऊंगा के छाता में मेला लग रहे हो और जाको मच रहे हो भारी शोर के छाता में मेला लग रहे हो और जाको मच रहे हो भारी शोर और गोकुल वशिष्ठ जी कर रहे और सबसे बिने दो कर जोर और ये गोकुल वशिष्ठ जी कह रहे और ये
बिने दो करे जोर के 251 जोड़न को हो विवाह ए रे 251 को जिनको हो विवाह। सुन ले बेटा के 200 यही तो चीज है मेरे पास, ना मेरे पास आवाज है ना गला है, केवल ये है, ये गुरु का आशीर्वाद है जो कभी कभी किसी किसी को मिलता है, जैसे तुम्हें मिला हुआ है। क्या 251 जोड़न को हो विवाह, अरे जा सामूहिक सम्मेलन में, सभी धर्म के लोगों को ये बार बार समझाना, सभी धर्म के लोगों को ये बार बार समझाना। और भाई साहब, अरे 1 नवंबर, 1 नवंबर को शादी का, या नो के ली जाए के 1 नवंबर तक शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना, अरे जा सामूहिक सम्मेलन। और लास्ट में यही कहूंगा, अच्छा क्या मुख्यमंत्री ने, मेरे गुरु हैं विजेंद्र गुरु के शागिर्द हैं, शिष्य हैं, और हकीकत बात है कि मुझको जो गाना सिखाया वो आज इनकी बोलत हूं, इनका नाम है रज्जो हतरसी, जिन्होंने विजेंद्र गुरु का नाम दूर दूर तक किया। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि 7 जन्म भी अगर मुझे मिले तो तुम दोनों जैसे ही मुझे उस्ताद और गुरु मिले। कहना मेरा के मुख्यमंत्री ने देर करी ना है और सबको समझाते में, मुख्यमंत्री ने देर करी ना सबको समझाते में। और देर करी क्यों ना है, अगर विवाह हो गया सबको समझाते में। और 51,000 की, अरे 51,000 की राशि आवे लड़की के खाते में, लड़की अरे जा सामूहिक सम्मेलन में। दोस्तों, दोनों तीनों नंबर मैंने अपनी आपकी मर्जी से गाए, अब अगर आपकी इजाजत हो तो एक चीज मैं अपनी मर्जी से गाना चाहता हूं, 5 या 6 मिनट में अपनी चीज मैं समाप्त करूंगा। मासा बजाए एक पैरोडी,
बलमा बलमा ओ बलमा हो मेरे काली नाम के गुरु अंगड़ाई आले मौसम निगोड़ा अंगड़ाई आले मौसम निगोड़ा ऐसे में कर लेते प्यार थोड़ा जैसे किसी ने टुकड़े कर डाले जैसे शीशे की जान के बलमा अरे बलमा तुम बलमा मेरे खाली नाम के तुम्हें क्यों मर जाऊं मैं मर जाऊं पर तुम किस काम के रामलीला की मंचे है गुरुदेव देखी जो ऐसी हालियत तो दुख दर्द सब सहने लगी क्या देखी जो ऐसी हालियत तो दुख दर्द सब सहने लगी और राजा दशरथ से बोके कही फिर इस तरह कहने लगी क्या ये राजा दशरथ से कोई इस तरह कहने देख गुरुदेव राजा दशरथ से जब केकई ने वरदान मांगे कि मुझको दो वरदान दे दो पहला कि राजा भरत को राजा बना दीजिए उसको राजगद्दी मिलनी चाहिए और दूसरा भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास तो जब इतनी बात कही केकई ने तो राजा दशरथ उल गए और उल करके कहने लगे कि जेवारे वरदान ना है कोई और मांग ले तो इधर से केकई क्या कहने लगी क्या राजा दशरथ से वो केकई फिर इस तरह कहने लगी अरे वरना अरे वरना वरना तुम वरना मेरे काली नाम के सुनने वाली जनता है गुरुदेव के वरना तुम वरना हो और मेरे खाली नाम के बने हो वरना तो बर दे दो बहुत अच्छे बहुत अच्छे वर दे दो और एक वर दे दो ये बिजेंद्र गुरु की कलम है एक एक शब्द के अलग अलग अर्थ निकलेंगे हाँ बेटे वरना अरे वरना वरना तुम वरना मेरे काली नाम के और आपने तालियां कम बजाई थी लाइन सुनना तब तालियां बजाने में मजा आएगा वरना तुम वरना हो मेरे खाली नाम के बने हो वरना तो बर दे दो वरना बर किस काम के वरना तो बर दे दो वरना बर किस काम के बने हो वरना तो बर दे दो वरना बर किस काम के बने हो वरना तो बर दे दो अब आगे लिखा बर की पिया तुमको कुछ खबर ना बर की पिया तुमको कुछ खबर ना खबर ना देखो यह हमी बरना कहता है
अगर तुम भर नहीं दोगे भरना नहीं तो नहीं तो बैठो तुम अपनी गद्दी पे दिल को थाम के भरना भरना तुम भरना मेरे खाली नाम के बने हो भरना तो भर दे दो भरना भर किस काम के बने हो भरना कहते हैं अरे सबनम गिरे पत्थर पे असर क्या सबनम गिरे पत्थर पे असर क्या ये बात तो फिल्म की है लेकिन हमारे गुरु क्या कहते हैं कि नई नई चीज सुना में आटे बाले नई नई चीज सुना में आटे बाले नई नई चीज सुनो में आटे बाले और जादू सुबन के पड़े जुबा पर ताले अरे नई नई चीज सुना में आटे बारे जादू सुबन के ताले। और देख के विजेंद्र शर्मा के ढंग निराले विजेंद्र शर्मा के ढंग निराले नहीं तो नहीं तो कांप जाएंगे देवी देवता चारों धाम के परना परना तो परना हो मेरे खाली नाम के भले हो परना तो भर दे दो परना किस काम के